हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की जो एक अपडेट है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से आ रही है, आप हमेशा पूछ रहे थे भैया मेरा वाइवो वाइस एग्ज़ाम कब तक होगा। ये जनरली बीकॉम ऑनर्स में होता है 4 सेमेस्टर में, उसके बाद से बीकॉम 6 सेमेस्टर में होता है और LLB में भी होता है शायद। तो उन सबको कहा गया है, तो ध्यान से इस न्यूज़ को देख लीजिए। सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि हमारा जो वाइवा वाइस एग्ज़ाम होगा वो यूनिवर्सिटी खुलने के बाद अनाउंस करेंगे डेट। यानी आपका जो डेट अनाउंस होगा वो 3 जुलाई के बाद अनाउंस होगा, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है कैंपस के। और यदि आप अफिलिएटेड कॉलेज में हैं, मतलब जो भी आप अफिलिएटेड कॉलेज में कहीं भी पढ़ते हो, तो आप अपने कॉलेज से एक बार बात कर लीजिएगा। उनको इंटीमेशन दिया गया है कि आप 15 जुलाई तक अपने वाइवा वाइस एग्ज़ाम करा लीजिए, ठीक है। तो हो सके आपका वाइवा वाइस एग्ज़ाम कहीं 30 तारीख को ना हो, 2 तारीख को ना हो, तो उनको कहा गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वाइवा वाइस एग्ज़ाम है वो करा लीजिए। और इस बार कोई एग्जामिनेशन, मतलब जो वाइवा लेते थे, जो भी इंटरव्यूअर थे, वो लोग अब कहीं जा नहीं रहे हैं। मतलब क्योंकि विश्वविद्यालय में इतना सारा काम है, NAC को लेकर ग्रेडिंग व्रेडिंग चल रही है, तो ये सब काम उन लोगों को दे दिया गया है। तो आपका वाइवा वॉइस अब आपके स्कूल, मतलब आपका कॉलेज के ही टीचर कराएंगे। तो एक बार बात कर लीजिएगा कि उनका क्या डेट रहता है, कैसे डेट रहता है। और जिन स्टूडेंट का वाइवा हो गया है उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर बता दीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट की हेल्प हो जाए, ठीक है। और आप सभी कमेंट बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा, और मैंने एक वाइवा वॉइस पे एक वीडियो बनाया है, तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि देखिए, अभी NAC की ग्रेडिंग होने वाली है, तो आपके जो भी ऑफिशियल्स अकाउंट्स हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का ट्विटर हैंडल हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल हो गया, जैसे हम लोगों के डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल हो गया, हम लोगों के डिपार्टमेंट का इंस्टाग्राम हो गया, तो आप इन सब को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के, मतलब ये भी एक स्वरूप है कि यूनिवर्सिटी को इससे भी अच्छी ग्रेडिंग मिल सकती है। या ग्रेडिंग अच्छी मिल जाएगी तो सबके लिए अच्छा होगा। आप भी कहोगे कि हमारा विश्वविद्यालय NAC A+ की ग्रेडिंग में आता है, तो बच्चों उन सभी के लिंक आज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब करोगे या शेयर करोगे तो इससे आपका ही नाम जाएगा ऊपर, आप ही अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे कि हम इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।